इस चैनल पर हम आपके लिए रहस्यमय और स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हर किसी की यह चाहत होती है कि उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो और वह सभी कामों को कुशलतापूर्वक कर सके और किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने दिमाग को तेज करने के लिए ना जाने क्या क्या खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिमाग तेज नहीं होता। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो कि सोचते रहते हैं कि भीगे हुए बादाम खाने से आखिर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दे कि भीगे हुए बादाम हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इसके सेवन से हम सभी को बहुत से लाभ होते हैं। तो चलिए जानते हैं बादाम में उन लाभों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानती हैं कि ठंड के मौसम में भीगे हुए बादाम खाने से हमें कई तरह के रोगों से सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, यदि आप ठंड के मौसम में भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है, जिसके चलते सर्दियों में होने वाले बहुत से रोगों से आप आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बादाम का सेवन करने से हमारे शरीर की कई समस्या हमेशा दूर रहती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर की थकान और सुस्ती हमेशा के लिए चली जाए तो आपको बता दें, इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम का सेवन करें। इसके सेवन से शरीर की सुस्ती और थकान दूर हो जाएगी और हमेशा खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आप सभी को एक बात और बता दें, भीगे हुए बादाम से दिमाग तेज होता है। यदि आप भी हुए बादाम को नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में बादाम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो बादाम इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, इसीलिए आप भीगे हुए बादाम ठंड के मौसम में ज़रूर खाएं। आपको बता दें, इसमें पाए जाने वाले तत्व कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। यदि आप सर्दियों में बादाम का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसे लड्डू बनाकर सेवन करें। लड्डू बनाकर सेवन करने से बादाम ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।